So hey, what is up everybody, and welcome back to a brand new video. So it's 15th of November 2020. Yes, हाँ तो ये वीडियो में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, बेस्ट कॉलेजेस फॉर कॉमर्स पार्ट टू है। तो इसमें पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो मैंने एक वीडियो डाली थी अराउंड 20 जुलाई को डाली थी मैंने वीडियो, इसका पार्ट वन डाला था मैंने, जिसमें मैंने सारे कॉलेजेस के बारे में बताया था जो कॉमर्स के लिए हैं, क्योंकि मैं उस टाइम तो सब जान लो उस टाइम अभी जानता हूँ, उस टाइम सारे कॉलेज सर्च कर रहा था, खुद भी देख रहा था। तो उस टाइम वीडियो डाली थी, उस वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, ऑलमोस्ट मतलब व्यूज देखा है तो 3.5K 4K कुछ है, लेकिन वैसे कमेंट्स बहुत सारे थे, एंगेजमेंट होती बहुत अच्छी आई थी, काफ़ी लोगों के डाउट्स थे। तो ऐसा चलो एक और वीडियो बनाई जाए इस पर। और उस टाइम तक मैं कॉलेज में था, किसी कॉलेज में पर्टिकुलरली शायद नहीं था उस टाइम, तो अभी मैं हूँ एनएमआईएमएस मुंबई में हूँ अभी मैं। तो उसमें मेरा भी चल रहा है, अगस्त में स्टार्ट हुआ था कॉलेज ऑलमोस्ट, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने पाया, अभी भी मैं दिल्ली में बैठा हूँ जहाँ पे रहता हूँ, मुंबई जाने को नहीं हुआ कोरोना की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं। तो इस वीडियो में क्या डिस्कस करें हम, बेसिकली मैं पहले तो कुछ डाउट्स लेने वाला हूँ जो पहले जो फर्स्ट पार्ट के बाद आए थे बहुत सारे, कुछ उसमें से 2-3 डाउट लूंगा जो इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद मैं बताऊँ कि सारे मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे क्राइस्ट का हो गया, सीयूईटी सिम्बायोसिस का हो गया, सेट हाँ और एनएमआईएमएस का एनपैट और बाकी एक दो और है, उसके बारे में कैसे प्रिपेयर करें या कुछ टिप्स ट्रिक्स क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्राइस्ट का एंट्रेंस निकाला था दिया था, तो सिम्बायोसिस का दिया था एंट्रेंस वो निकाला था मैंने, एनएमआईएमएस का तो निकाला ही एंट्रेंस, फिर मैंने अच्छा आईएम वगैरह का तो मैंने फिल नहीं किया था क्योंकि मेरा कुछ सीन नहीं था इंटीग्रेट करने का, क्योंकि बाहर जाने का प्लान है। फिर डी यू जैट भी मैंने फिल किया था लेकिन एनएमआईएमएस में हो गया, फिर मैंने डी यू जैट दिया नहीं, ये ऐसा कुछ खास मेरे को डी यू जैट का था नहीं इसलिए मैंने दिया भी नहीं। फिर तो बताऊँ कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि लोगों में होता है, क्योंकि भाई मैं बताता हूँ अपना सीन, मेरा तो ऐसा था कि मैंने तो कुछ मेरे को पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम वगैरह भी ऐसे देने हैं कुछ, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब बैठा मैं फ्री हुआ तब पता चला एग्ज़ाम मतलब ऐसे होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई करनी है। तो बहुत कुछ था उस टाइम कैसे प्रिपेयर किया सब बताता हूँ, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है डाउट लेते हैं पहले। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद सबसे पहले तो ये डाउट लेना है भाई कि लोगों के पास था कि उनके मैथ्स कॉमर्स मैथ्स का क्या सीन है क्या नहीं है, तो काफी लोगों ने ये चीज पूछी। तो मेरे वो कॉलेज वाइज होता है, काफी लोगों ने एनएमआईएमएस के ऊपर पूछा कि मैं ज्वाइन किया है, तो एनएमआईएमएस में आपको सारे कोर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी होता है, मैथ्स नहीं है तो आप नहीं आ सकते, इसलिए एनएमआईएमएस में मैथ्स कंपलसरी है, क्राइस्ट में नहीं है, सिम्बायोसिस में नहीं है, डी यू जैट में है, डी यू जैट में कंपलसरी है मैथ्स बाकी, और आईएम में भी नहीं है कंपलसरी जितना मेरे को पता है। तो ये था कि किसमें कंपलसरी है, और आईपी यूनिवर्सिटी भी कुछ लोगों ने पूछा था, आईपी यूनिवर्सिटी में भी मैथ्स नहीं चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मैथ्स होनी चाहिए, बिना मैथ्स के काम चल जाएगा आपका। तो ये है बेसिकली कि किस किस में मैथ्स चाहिए, लेकिन एनएमआईएमएस की बात करूँ पर्टिकुलरली अगर जिस कॉलेज में मैं हूँ उसमें मैथ्स चाहिए ही चाहिए, चाहे आपको बीबीए बीकॉम ऑनर्स बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स या फिर एक और है बीएससी फाइनेंस में, किसी में भी आना है आपके मैथ्स होनी चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। तो उसके बाद अब और कौन सा क्वेश्चन था जो बहुत बार आ रहा था, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि कौन सा बेस्ट है, रैंक बताओ ये बताओ। तो एक मिनट, मैंने शायद एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था सेंट जेवियर्स का, हाँ वो मैंने फॉर्म भरा भी नहीं था सेंट जेवियर्स में जाने का था कुछ, लेकिन हाँ सेंट जेवियर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि अराउंड सीट्स शायद 20-23 है जनरल कैटेगरी की, डिफिकल्ट हो जाता है उधर सीन। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ रैंकिंग की बात करूँ तो ऐसे देखो फर्स्ट रैंकिंग ऑब्वियसली देखो इंटीग्रेटेड कोर्स लोगों ने बोला भाई आईएम क्यों नहीं है, मैं आईएम की बात नहीं कर रहा अभी, सिर्फ मैं जो बीबीए बीकॉम की, वरना आईएम ऑफ कोर्स टॉप पे आता है लेकिन वो इंटीग्रेटेड एमबीए की बात नहीं हो रही है। तो मैं बात करूँ फर्स्ट पे तो डी यू जेट का शहीद सुखदेव आ जाता है भाई, वो आते ही आता है। सेकंड पे फिर एनएमआईएमएस मुंबई में इसलिए क्योंकि मेरा कॉलेज अगर आप रैंकिंग भी उठा के देखोगे ना तो वो आता है फर्स्ट सेकंड में कॉमर्स के कॉलेजेस में।
फिर उसके बाद क्राइस्ट सिम्बायोसिस में ऐसे कुछ ज्यादा लोगों ने कुछ काफी लोगों ने बोले क्राइस्ट और सिम्बायोसिस, तो ऐसा कुछ मैं एक क्या बताऊं, लेकिन मैंने तब भी बोला एकेडमिक्स वाइज क्राइस्ट अच्छा है, लेकिन उधर कॉलेज लाइफ में देखा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं सीनियर्स भी हैं उधर, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सीन है उधर। सिम्बायोसिस में थोड़ी चिल लाइफ है, लेकिन एकेडमिक्स वाइज देखा है तो क्राइस्ट ऊपर है, तो वो आपकी चॉइस है आपको कैसा चाहिए, ठीक है सीन। तो बाकी बस और सेंट जेवियर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर ROI भी देख रहे हैं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो फीस बहुत कम है, आप NMI में इसकी जगह सेंट जेवियर्स ले सकते हो, लेकिन सेंट जेवियर्स में मिलना थोड़ा मुश्किल सीन है। तो बस ये था। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, मेन जो वीडियो जिस ऊपर है, एक और चीज काफी लोगों ने कमेंट में लिखा भाई मेरे 92 आए 90 आए किससे मिल जाएगा, कुछ नहीं बता सकता, हर साल कट ऑफ अलग निकलती है तुम्हारी। लेकिन काफी लोगों ने सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए बोला था जो कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स देता है, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि अगर आपके 87+ है, 87+ तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा कोई भी ईयर हो, उसकी बात कर रहा हूँ। DU का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, DU का इस साल बहुत ज्यादा अलग सीन हो गया, पिछले साल भी बहुत अलग था, नेक्स्ट ईयर भी होगा, तो DU का अनप्रिडिक्टेबल है सीन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्स के सारे, चाहे वो NPAT हो, CUET हो, क्राइस्ट वाला, या फिर सेट हो सिम्बायोसिस का, या DU JAT, ठीक है। तो इनमें बेसिकली सेक्शन क्या होते हैं, चलो एक होता है कौन सा होता है अपना, सबको पता है, जिससे थोड़ा लोगों को डर लगता है, मेरे को भी लगता था, और वैसे मैथ्स मेरी थोड़ी स्ट्रांग मैं मानता हूँ मेरे मतलब बोर्ड एग्जाम में तो मैथ्स अच्छा करके आया था, क्वांट्स हो गया, और कौन सा रीजनिंग, एक इंग्लिश, और एक होता है जनरल नॉलेज GK, लेकिन डिपेंड करता है कौन से कॉलेज का। जैसे अगर NMIMS की बात करूँ तो उसमें था ही नहीं GK, ठीक है, GK था ही नहीं। तो और एक होता है डेटा, कुछ होता है क्या था भूल भी गया यार, फिर डेटा रीजनिंग होता है, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफ ग्राफ का सेक्शन होता है, कई को जैसे कॉलेज में मिक्स कर देते हैं वो कॉन्स के साथ कर देते हैं, कुछ इतना कॉन्स से रीजनिंग के साथ मिक्स कर देते हैं ना, बाकी में कुछ में अलग सेपरेट होता है, क्राइस्ट में अलग होगा वो सेक्शन, ठीक है। हाँ देखो सारे जितने भी अगर कोर्स है ना कोई भी, इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम, BBA, सबका पेपर ऐसे ही नहीं चारों पांच सेक्शन में से आता है, ठीक है। कि काफी लोग ये पूछ रहे थे कि कोचिंग का कैसे है, को DM पे मैसेज मतलब काफी लोगों ने पूछा था कि भाई कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। कोचिंग देखो टोटली अप टू यू कि आपको लेनी नहीं लेनी, लेनी लेने का कुछ फायदा नहीं, आप बिना उसके भी निकाल सकते हो किसी का भी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ मेरा सीन क्या था, मैंने कोचिंग लेनी थी क्राइस्ट के एग्जाम तक, ऐसे ही मेरे को क्या पता भाई कुछ है कोचिंग, मतलब ना कुछ पता तो था मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कुछ कोचिंग की जरूरत है, क्राइस्ट कर दिए, क्राइस्ट में हो भी गया, लेकिन फिर NMIMS मेरे को थोड़ा था कि NMIMS में जाना है या फिर DU JAT हो जाएगा, इन दोनों से मेरा प्रेफरेंस था। तो फिर घर वालों डैडी ने बोला कि चलो तू ऐसा कर, मैं थोड़ा पढ़ पढ़ नहीं रहा था, बोला कि चलो IMS जानते हो, IMS कोचिंग होती है मेरी प्रथम, ये दोनों बेस्ट मानी जाती है, तो IMS सबसे ज्यादा हिट मतलब है, क्योंकि दिल्ली में भी है, मुंबई वगैरह में और भी सिटी है, तो उसमें तुम एनरोल कर सकते हो, अच्छा रहेगा। मैंने तो ऐसी सिर्फ जो मटेरियल्स ले लिया, कुछ नहीं पढ़ा IMS से, टोटल वेस्ट। हाँ लेकिन उनका जो स्टडी मटेरियल होता है बहुत अच्छा होता है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो वो प्रेफर कर सकते हो, थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे, अगर करना है तो कर लो, वरना उसके बिना भी तुम निकाल सकते हो, ये ऐसा कुछ तो बहुत बड़ी ऐसे ये हुआ नहीं है जो नहीं निकाल पाओगे तुम, तो बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10 महीने पहले पढ़ना है, लोग दो एक एक साल पहले से कोचिंग ले रहे हैं भाई, उनका हुआ नहीं कुछ काम 1 महीने पढ़ा, वो भी पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही हो जाता है अगर तुम थोड़ा सा आखिरी के दिनों में सही पढ़ लो तो। सबसे पहले बात करता हूँ अब क्वांट्स की, ठीक है, क्वांट्स में तुम्हें मेहनत डालनी पड़ेगी, लेकिन मैं क्या मानता हूँ अगर तुमने बाकी जैसे अगर NMIMS की आते हो 3 सेक्शन है, 2 स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर 4 सेक्शन है तो 3 स्ट्रॉन्ग कर लेना, 1 को थोड़ा आप लाइटली ले सकते हो छोड़ दो, लेकिन 3 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे NMIMS के लिए फिर आपको रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंग्लिश पहले चलो कॉन्स की बात करते हैं, अगर कॉन्स के लिए आपको प्रिपरेशन में एफर्ट डालने होंगे, ठीक है, आपको अच्छे से मतलब ज़्यादा उसमें कुछ ज़्यादा भी टफ नहीं होती, आप सब बेसिक्स होता है 6 to 10 का परसेंटेज एवरेज, और मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, फ्रैक्शंस हो गया, तो ये सब तो तुम पढ़ते हो आ रहे हो, बस तुम्हें रिकैप करना है, और उस टाइम जो क्वेश्चन ना घुमा के आएंगे तो थोड़ा तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है, ये सब है क्राइस्ट के लिए सिम्बायोसिस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ DU JAT या फिर NMIMS के NPAT की, उसमें आ जाती है थोड़ी हायर लेवल मैथ जो कि 11th-12th की है, तो उसके लिए तो मैं थोड़ा 11th-12th का भी जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह वो थोड़ा दिमाग खराब होगा, मैं लेकिन मानता हूँ मैंने इंटीग्रेशन वगैरह छुआ नहीं था, मैंने बोला जो होगा देखा है, क्योंकि मैंने बाकी सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिए थे और बेसिक पढ़ लिया था, तो फुल्ली लाने होते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि तो मैं 90
परसेंट से प्लस ला रहे, बोर्ड एग्जाम नहीं है, दिमाग में बैठाओ पहले, ठीक है। तो क्वांट्स का ऐसे कर लेना, बेसिक कर लेना, अगर जो टफ टफ है वो आखिरी में उठाओ, अगर टाइम बच रहा है तो ठीक है, नहीं बच रहा तो छोड़ के जा सकते हो, बाकी का स्ट्रॉन्ग कर लो गेम तुम। और अगर तुम आप अगर स्टडी मेटेरियल जैसे IMS वगैरह से नहीं ले रहे हो तो तुम RS अग्रवाल यूज कर सकते हो, RS अग्रवाल बेस्ट बुक है, वो प्रेफर कर लो क्वांट्स के लिए, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा, मतलब सच बता रहा हूँ मैं, लेकिन वो ये कि RS अग्रवाल बहुत मेटेरियल है उसमें, तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो IMS से करोगे तो वो तुम्हें एप्ट देंगे कि हाँ इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। अब चलो दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन जो कि मेरे कैमरे के बैठ के जाने वाले थे, इंग्लिश। इंग्लिश वन ऑफ द मतलब मेरे लिए बहुत ईजी था, मैं कुछ भी ना पढ़ू ना इंग्लिश में तब भी मतलब ऑलमोस्ट जैसे 40 का है सेक्शन, तो इसमें मतलब ऑलमोस्ट 35 प्लस बिना पढ़े भी मैं जैसे मॉक देता था ना, मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट की आखिर में बात करूँगा एक बार कि मॉक क्या बोलो, इंग्लिश में तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो, अगर इसमें स्कोर नहीं किया गलती तो भाई तुम फंस जाओगे, फिर गेम तुम्हारा फंस जाएगा। इसलिए इंग्लिश अगर तुम्हारी स्ट्रांग है तो तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं, आराम से कर लोगे। नहीं भी है स्ट्रांग तो इस पर मेहनत तुम करना बनता है, थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन टॉपिक अगर ऑनलाइन सर्च मारोगे मिल जाएंगे तो वो जाके देख लेना। वैसे नीचे ना ऐसा करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जो भी मेन टॉपिक्स के लिए सारे मतलब चारों सेक्शन के लिए जो भी होगा, ठीक है। इंग्लिश तो मैं सॉर्टेड है, और इंग्लिश में एक चीज़ याद रखना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो पैसेज होते हैं लंबे होते हैं, जैसे सेट क्राइस्ट वाले में बहुत ईजी था और सिम्बायसिस वाले में भी, NMIMS का टफ था, मतलब जो पैसेज दिया था थोड़ा घूमने वाला था, उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए तुम्हें रीडिंग अपनी तेज रखनी है। एक चीज़ ये रीडिंग में अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हारा सेक्शन इंग्लिश ऐसे ही है, हल्का है बहुत। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एफर्ट डालना है, अगर अच्छी इंग्लिश तो फिर कोई सीन सॉर्टेड, नहीं भी है तब भी एफर्ट डालो, ये स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। अब बात करता हूँ तीसरे सेक्शन की। तीसरे सेक्शन की बात करूँ जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो तुम्हें लगेगा कि ये आज से पहले हमने छुआ ही नहीं है, ये क्या होगा, क्या दिमाग में लोगों के रहता है मेरे, तो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है क्या है यार कितना टफ होगा, बिल्कुल बच्चों वाला सेक्शन है। मतलब अगर तुमने एक बार थोड़ी बेसिक वगैरह समझ लिया ना तो ऐसे कर लोगे वो सेक्शन। मेरे को जितना पता है मेरे रीजनिंग में बहुत ऐसे उन्हें कुछ स्कोर तो नहीं देते, लेकिन रीजनिंग बहुत तगड़ा सेक्शन गया था, मेरे इंग्लिश रीजनिंग बहुत तगड़े निकाले थे मैंने अपने सारी टेस्ट में। तो रीजनिंग बहुत ईजी होता है, उसमें तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि रीजनिंग तुम्हें पढ़ा नहीं होता इससे पहले, मतलब पढ़ा इन द सेंस कि कुछ आइडिया नहीं होता, तो टाइम मैंने रीजनिंग में बहुत टाइम डाला था, मतलब तीनों सेक्शन में था ना सबसे ज़्यादा रीजनिंग में टाइम डाला था मैंने, तो रीजनिंग में तो अपना तुम एफर्ट डालना ही डालना, उसमें बनता है, उसमें अगर एक बार समझ के तो सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हारे को। अगर तुम इसके लिए भी RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हो, लेकिन सेम चीज़ बहुत ज़्यादा कंटेंट है, RS अग्रवाल में कंटेंट बहुत है और इतना कंटेंट तुम्हें चाहिए नहीं होता इन सारे एग्जाम्स के लिए, लिमिटेड चाहिए, मेन टॉपिक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और IMS का यही फायदा, या फिर IMS या फिर प्रथम वगैरह कोचिंग का, वो बिल्कुल जितना जो क्वेश्चन आते हैं ना वैसे ही ढलवाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है सॉर्ट करने के लिए। तो रीजनिंग तुम बड़े आसानी से कर सकते हो, स्कोरिंग सेक्शन है इंग्लिश रीजनिंग, इसमें मार्क्स ला दिए तुमने तो तुम्हारे सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, बस तुम्हें फिर थोड़ा सा क्वांट्स में मेहनत डालनी होगी अगर NMIMS की बात करूँ। और बाकी GK, चलो GK की बात कर लेते हैं अभी। GK में तुम्हें GK मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैं GK ऐसे ही चला गया था देने, वरना तुम करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो स्टैटिक, लेकिन GK तुमसे पढ़ी नहीं जाएगी, GK आखिरी में देखना बिल्कुल एंड में, उससे पहले देखा तो तुम बाकी भी नहीं कर पाओगे, GK इतना सारा है ना पूरा कवर नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, करंट अफेयर्स पढ़ लेना, उससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। NMIMS में तो चाहिए ही नहीं, DU JET में तो चाहिए, NMIMS में चाहिए नहीं, इसलिए सीन सॉर्टेड था। क्राइस्ट वगैरह में चाहिए, लेकिन उनकी GK बिल्कुल वो बच्चों वाली होती है ना, वो आएगी, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लिया तो सीन सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि भाई क्या होगा, नहीं GK बहुत ईजी रहता है, बस तुम थोड़े कॉन्सेप्ट देख लें, लेकिन आखिरी में करना GK लास्ट में, ठीक है। सो मेरी बैटरी चली गई, मेरे कैमरे की बैटरी चली गई थी। हाँ, तो अब बात करते हैं मॉक्स की। तो मॉक टेस्ट देखिए आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ जब स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन से पहले एक होता है जीरो प्रिपरेशन मॉक होता है, वो लो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, कुछ लोगों का लेवल इतना आया होता है कि भाई बिना कुछ प्रिपेयर कर ही फाड़ सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ, फाड़ सकते हैं, जैसे अच्छा कर सकते हैं वो। तो ये चीज़ होगी, मॉक आपको लेनी लेने, देखो मैं ऑनलाइन मॉक तुम्हें कौन सी साइट से फ्री के निकालोगे कह नहीं सकता, मैं मॉक्स के लिए तुम्हें कहूँगा तुम IMS या प्रथम, इन दोनों से किसी के भी मॉक टेस्ट परचेज कर लेना, ऑप्शन आते हैं अलग से परचेज करने का, वो परचेज कर लो इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, इनके मॉक बहुत अच्छे होते हैं, अगर इनके मॉक में आपने अच्छा स्कोर कर दिया
तो तुम सच्ची में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हो आराम से। तो मॉक्स के लिए मैं कहूँगा IIMS या प्रथम के लिए ना ऑनलाइन देखने रहते हैं, वो बेकार मॉक होते हैं, कोई सेंस नहीं बनता लेने का। तो आप एक तो जीरो प्रिपरेशन मॉक देना, उसके बाद आप जितना आपके प्रिपरेशन हो जाए मॉक, और एक दिन जैसे कोई भी टेस्ट होता है ना, तो उसके एक दिन पहले मैं तो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, वो बोर्ड एग्जाम में भी मैं यही करता था। तो फिर उस दिन बैठ के, एक दिन बैठ के मॉक दे लो तुम, दो तीन मॉक एक साथ दे लेना, मस्त सीन बन जाएगा तुम्हारा। तो मॉक का यही सीन था, बाकी आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो और भी जैसे पिछले वीडियो जो पार्ट वन में बहुत डाउट थे पूछे थे, ऐसे ही पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ जो भी सीन होगा। इंस्टाग्राम पे आके DM भी कर सकते हो, आपको मेरा यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक क्या आपको दिख रहा होगा, तो फॉलो भी कर लेना, मुझसे कुछ भी इंक्वायरी या डाउट है पूछ लेना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें बिना मत जाना, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर लो, और भी बहुत तगड़ा कंटेंट आता रहता है। तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस चिल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। Oh.